फुल रेड रेड हो चुका है, ये कलर साइकिल यहाँ चेंज हो गई, ये देखो कलर ये चेंज हुआ है इसका, और उसके अलावा ये देखो मस्त एकदम जबरदस्त है। और एफएन दबा के इसको फिर से मोड का चेंज करें हम, ये तो हो गए वो कंपोनेंट्स जो आपके पीसी बिल्ड में यूज हो रहे हैं, सिर्फ वो कंपोनेंट हैं जो पीसी में यूज हो रहे हैं। अब आती है बारी पेरिफेरल्स की, इतना ज्यादा सामान है पता नहीं आप लोगों को कि हम लोग आप लोगों को दिख पा रहे होंगे या नहीं। सो व्हाट्स अप लोग, कैसे हो सब, दिशा आपका भाई एंड अंकित कुमार शर्मा द मोस्ट भौकाली जोड़ी ऑफ पीसी कम्युनिटी हैशटैग पंडित पठान एंड वेलकम टू द ड्यूअल मॉनिटर सेटअप ऑफ मिस्टर पीसी वाले। आज का ये पीसी किसका है, सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन करते हैं। उनका नाम है मिस्टर वैभव जैन, जो कि रहते हैं द सिटी ऑफ लेक उदयपुर राजस्थान, जिसे हम लोग कहते हैं सिटी ऑफ लेक, जहां पे बार बार के लेक्स हैं, बार बार के राजपुताना माहौल है, अजीम शान शहंशाह करदारवा हमेशा। 10 सेकंड हो गए बस, कॉपीराइट आ जाएगा, हो गए 10 सेकंड हो गए। तो भाई उदयपुर के रहने वाले हैं वैभव जैन, बाकी म्यूजिक तुम डाल लेना पीछे, बैकग्राउंड डालने आए तो ठीक भाई। अब देखो ये कंपोनेंट रखे हैं जो कि हैं इनके सिर्फ सीपीयू के, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें प्राइस मत देखना, सीपीयू की बिल्ड क्वालिटी देखना, कंपोनेंट्स की वैल्यू देखना, लुक्स देखना, गिनना नहीं। और ये है इनके पेरिफेरल्स, 2 27 इंच के अल्ट्रा भौकाली मॉनिटर विद आरओजी का अल्ट्रा भौकाली कीबोर्ड विद लॉजिटेक का अल्ट्रा भौकाली माउस विद आसुस आरओजी स्ट्रीट्स का राइजर केबिन, और व्हाइट थीम पे बिल्ट है पूरा प्योरली, भयंकर बिल्ड है, देखिएगा मजा आएगा। एक एक कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं डिस्क्रिप्शन वाइज। चैनल पे पहली बार आया तो नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। हम लोग लखनऊ बेस्ड हैं, लखनऊ बेस्ड, और एक छोटा चैनल अपने हम लोगों ने खोला है मिस्टर सैदाब खान नाम से व्लॉग चैनल है, 5000 सब्सक्राइबर कर दीजिए जल्दी से, वीडियो अपलोड होने वाली है, वो वाला शॉर्ट्स पे ये वाला तो देख ही रहे हैं यार ये लोग। एक भाई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैभव भाई और वैभव भाई को डिटेल में दे दी, अब हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सब कुछ डिटेल्स आदि अपने स्टोर की। अब हम स्टार्ट करते हैं इसे कंपोनेंट से, सबसे पहले आपको मैं पीसी के कंपोनेंट दिखाऊंगा, पीसी बना के दिखा दूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं कंपोनेंट दिखाऊंगा आपको पेरिफेरल्स के पीसी बनने के बाद। ठीक भाई, वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरी जान लगाई है इस वीडियो में हमने कितने, प्लीज देखना मजा आ जाएगा भाई। सो भाई लोग सबसे पहला सबसे भौकाली कंपोनेंट जो हम लोग इस पीसी पर यूज कर रहे हैं वो है इसकी जान, इसका स्ट्रक्चर जिसमें इसके कंपोनेंट्स वो सारे रखे लगेंगे, हमारी कैबिनेट थर्मल टेक कोर P6 वाइट TG फुल वाइट कैबिनेट है, फ्रंट से ग्लास, साइड से ग्लास, टॉप से ग्लास और साइड से आपकी ये दे रखी है। देखिए सबसे अच्छी बात, इस कैबिनेट को आप वॉल माउंट कर सकते हैं, वॉल माउंट का ऑप्शन दे रखा है, साइड में आपको वेंट्स दे रखी है एयर इनटेक के लिए, एयर एग्जॉस्ट के लिए, पावर ऑन ऑफ स्विच, 3.0 के 2 पोर्ट, 2.0 के 2 पोर्ट, टाइप सी का पोर्ट, हेडफोन जैक, माइक जैक और रिसेट बटन। और सबसे अच्छी बात, आप इसको यहां से खोल लो, इसको यहां से खोल लो, और जो ये देख लो इसके रॉड, ये रॉड दिख रहे होंगे आपको, ये रॉड दिख रहे हैं, पूरी पेज बेस कैबिनेट है ये, A to Z, पूरी पेज बेस कैबिनेट है। पेज बेस का मतलब क्या, पेज मतलब इन द सेंस कि पूरा लॉक पे है, इसमें कोई वैसी नहीं है, मतलब डिसेंबल हो जाएगी। अच्छा डिसेंबल, पूरी खोल सकते हैं इसको हम। और दूसरी चीज, इसकी पूरी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो आई बटन में लिंक आ रहा है, आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो में देखिए हमने इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखाई है कैबिनेट को, 3 झांव खोल कर दिखाई, देखना चाहो आप जरूर देखना। बात करते हैं बजट की, तो अराउंड 15,000 के आसपास इसका बजट रहता है, 13 से 15 तक ये फ्लक्चुएट हुआ करती है कैबिनेट। अब हम क्या करने वाले हैं, अंकित यहाँ पे खड़े होके इस तरफ खड़ा होगा अंकित और इस कैबिनेट को डिसेंबल करेगा, हम यहाँ पर खड़े होके सारे कंपोनेंट्स की डिटेल आपको बताने जा रहे हैं, दुनिया के कंपोनेंट्स क्या यूज हो रहे हैं। ठीक, तो भाई लोग सबसे पहला कंपोनेंट क्लोज आओ, देखो हम लोग इसमें जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं आसूस आरओजी स्ट्रिक्स LC 360 ARGB लिक्विड कूलर यूज हो रहा है इसमें, जो आता है LG 1700 सॉकेट के साथ, 6 साल की वारंटी और आपके एड्रेसेबल ARGB आती है और इसमें सील नहीं होती है, सीरियल नंबर भी दिखाओ कहाँ गया कितने गया, ये रहा इतने, ये रहा सीरियल नंबर, और जैसे आप इसको खोलेंगे यहाँ से तो ये आपको मिलता है कुछ यूजर इंटरफेस इसका ऐसा, और ये पूरा हमारी किट लगी हुई है। ठीक, तो 360 mm का लिक्विड कूलर इसमें यूज होता है, वो भी आसूस आरओजी स्ट्रिक्स व्हाइट कलर का हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। हटाओ बेटा इसको,
उसके बाद इसमें जो मदरबोर्ड यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है Asus ROG Strix Z690E गेमिंग वाईफाई PCIe 5.0 LG सॉकेट DDR5 रैम सपोर्ट करता है, वाईफाई 6 सपोर्ट करता है और इसका सीरियल नंबर दिखाओ क्योंकि ये रहा इसका सीरियल नंबर और ये रही इसकी सील जो कि हो गई एक मिनट में चलेगी आपके सामने कट। ये गई सील और ये खोला हमने बॉक्स। ये देखिए प्रेजेंटेशन इसका ही बहुत अच्छा होता है नो डाउट। ये आपका इसमें देखो खोलोगे मदरबोर्ड तो रखा मिलता है अलग, उसके साथ साथ इसमें जो एसेसरीज है ना वो बहुत भकाई भकाई मिलती है, देखना आप बहुत तगड़ी चीजें मिलती है भाई, मजा आ जाएगा। देखो ये आप खोलोगे ये मिलता है SSD NVMe एक्सटेंडर। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें ये देखो आप इसको खोल के दो NVMe लगा सकते हो एक्स्ट्रा और उसको इसमें लगा सकते हो, तो इसमें ये मिलता है वैभव, ये तुम्हारे बॉक्स में ऐसे ही रखा तुम्हें मिलेगा, ठीक है इसको संभाल के रखना कभी अगर तुमको NVMe एक्सटेंड करनी है तो लगा लेना। और उसके अलावा इसमें क्या क्या मिलता है कि देखो ये आपका एक कीरिंग मिलेगा तुमको, ये हार्ड डिस्क मिलेगी, ये प्रेम पत्र हो गए प्रेम ग्रंथ हो गया, और उसके अलावा इधर चेक करेंगे तो इधर हमको मिलता है यहाँ मिलता नीचे ये देखो ये आपको एंटीना हो गया और सब पेपर वर्क हो गया, ठीक तो ये सामान इधर हो गया हमारा, ये पैक हमने इसको नीचे रख दिया। ये रहा हमारा मदरबोर्ड Asus ROG Strix Z690E गेमिंग फुल भौकाली मदरबोर्ड है और ये रहा इसके IO पोर्ट्स, ठीक है ये IO पोर्ट्स हो गए। बात करें प्राइस की तो अराउंड 43 के आसपास इसका प्राइस रहता है इस पार्टिकुलर मदरबोर्ड, ठीक है। उसके बाद जो इसमें पावर सप्लाई लग रही है वो लग रही है Asus ROG Strix 850 वॉट 80 प्लस गोल्ड सर्टिफाइड विद 10 इयर्स की वारंटी के साथ आने वाली। और इसका सेल नंबर दिखाएं आपको, ये देखिए सेल नंबर ये है क्या, हाँ ये रहा सेल नंबर, देखिए सीरियल नंबर ये रहा, ये सील गई, ये निकली आपकी पावर सप्लाई। देखिए ये इसमें कुछ आपके एसेसरी रखी हुई है, ये रखे होते हैं इसमें केबल, ये पावर केबल हो गई और ये हो गई पावर सप्लाई। कॉस्टिंग की बात करें तो अराउंड 14,000 to 15,000 के बीच इसकी कॉस्टिंग आपको मिलती है। अब उसके बाद जो इसमें हमारा प्रोसेसर यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है इंटेल कोर i9 कौन सा भैया 12900K बाबा। ये देखिए 12900K प्रोसेसर हो गया, ये इसका सीरियल नंबर देखिए ऐसा नंबर ये दिया गया है, फुल सील्ड पैक, इसकी सील आपकी यहां से ये सील ब्रेक हुई, ये खुला ये यूं खुला, ये गोल्ड का डिब्बा खुला और इसके अंदर रखा हुआ है आपका ये देखिए प्रोसेसर, देखिए इंटेल i9 12900K। और बाकी इन सारे कंपोनेंट के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, प्राइस आपको एक्चुअल जानने हैं जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन के प्राइस अगर आपको जानने हैं तो इसमें आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको उस दिन जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो ना आपको उस दिन के प्राइस मिल जाएंगे कि उस दिन उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या प्राइस है, ठीक भाई। बाकी इसलिए हम आपको हर चीज अपडेट कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में। ये लो उसके अलावा इसमें 10 फैन लग रहे हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 एक फैन खोल के हम आपको दिखा देते हैं खोल खाल के कि दिखने में कैसा है। हेलो फैन है, देखा होगा आपने जो आपका आता है कूलर मास्टर की तरफ से, ये देखो तुम भी दिखाओ, ये देखो ये हेलो फैन है हमारा, ये लग रहा है कहाँ कहाँ पे लॉ बनाए, ये लॉ जरा हम दिखाएं, देखो ये फैन कहाँ कहाँ लग रहे हैं, ये फैन 3 फ्रंट में लगेंगे, 3 साइड में लगेंगे, 3 नीचे लगेंगे, 1 पीछे लगेगा, टोटल 10 फैन लगेंगे। और अंकित ने इसको पूरा खोल दिया मशीन को, देखिए। अब उसके अलावा दो भौगोलिक चीज बची सुधी यहाँ दिखाएं, देखो NVMe इसमें यूज हो रही है XPG Gamix S70 Blade 1TB। अब सबसे अच्छी बात इसकी रीड स्पीड राइट स्पीड से उनके दंग रह जाओगे, देखो रीड स्पीड है अप टू 7400 Mbps और राइट है अप टू 6800 Mbps, दिख रहा होगा देखो आपको है, सील नंबर ये है और यहाँ से इसकी कटती है सील, ये देखो ये निकली हमारी अम्मी NVMe। और उसके साथ साथ जो इसमें रैम यूज हो रही है वो बहुत भौकड़ी रैम यूज हो रही है, 8GB रैम यूज हो रही है, XPG Lancer RGB DDR5 16x2 6000 MHz 3200 MHz में साली इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस रहती थी, तो 6000 MHz में क्या परफॉर्मेंस होगी अंकित,
6000 मेगाहर्ट्ज़ की भाई साहब इसमें आपको NVMe यूज हो रही है। अभी उसको हाँ ऊपर कर लूँ वाले के ऊपर मतलब भाई वीडियो में प्रॉपर बने रहना, बेंचमार्क निकालेंगे देखेंगे क्या परफॉर्मेंस रहेगी, परफॉर्मेंस क्या रहेगा देखना ठीक। और देखो सीरियल नंबर दिखाओ तू भी, रैम इतना एक्सटेंड करने पे क्या फर्क पड़ता है, ये रहा सीरियल नंबर इसका, ये सीरियल नंबर यहां पे है देखो, इधर से भी सील लगी हुई है, इधर से भी सील लगी हुई है, सामने सील काटेंगे। और ये रही हमारी XPG की D50 की रैम, D50 रैम है और वेटेड रैम है, नो डाउट अच्छी रैम ठीक। और बात करें प्राइस की तो कोई आइडिया नहीं क्या है इसका प्राइस, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, बहुत महंगी रैम है। और जो इसका जो बिल्ड का बजट है ना वो खाली PC का लगभग 2.5 लाख रुपए है और शायद 90,000 रुपए इसके ऊपर एसेसरीज का ठीक। और उसके साथ साथ एक देखिए AXPG की 24 पिन की मॉड केबल लग रही है और उसके साथ साथ इसमें लग रहा है कलरफुल का वाइट ग्राफिक कार्ड G4 RTX 3070, जिसका सेल नंबर मैं दिखा दूं पहले आपको, ये देखो ये रहा सेल नंबर भाई आपके ग्राफिक कार्ड का ठीक। और यहां से देखो ये खुलता है, इसमें बाहर सील नहीं होती है, इसमें सील होती है अंदर, मैं खोल के दिखा देता हूं आपको ठीक। ये आप खोलोगे, ये हटाया आपने, ये हटाया और ये है रखा आपका ग्राफिक कार्ड जिसमें यहाँ पे लगी है देखिए सील ठीक। और यहाँ सबने सेल इसकी ये देखिए यूं काटी और ये खोल दिया और ग्राफिक कार्ड में भी सेल नंबर दिखाते हैं, देखना सेम होता है हमेशा हमेशा, देखना जो सेल नंबर बाहर होगा वही सेल नंबर अंदर होगा। ये देखो ऐसा नंबर लास्ट में 20034 है, इसमें भी देखो 20034 देखो लास्ट में 20034। तो ये ग्राफिक कार्ड है, 3 फैन दे रखे हैं आपको वाइट कलर के, बैक प्लेट है और इस ग्राफिक कार्ड को हम लोग यूं माउंट करेंगे, यूं वर्टिकल मुझे पता है इतना हम लोगों में व्यूज नहीं आते हैं लेकिन हमारा मकसद ये रहता है कि जब आपको पीसी लो ना, अगर आप हमारी 5 वीडियो देख लो आपको कंपोनेंट्स का आइडिया लग जाए क्या कंपोनेंट्स होते हैं। और कोई भी कंपोनेंट होता है भाई हमेशा ओरिजिनल कंपोनेंट यूज करते हैं, इतना हमारे पास यूज कंपोनेंट माइनिंग वाले इन सब करने का टाइम नहीं है यार। हम ओके समझो आप देखते होगे आप लोग हम लोगों को ईमानदारी का काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को उसकी वैल्यू दें, हम लोग वैल्यू बेचते हैं आपको सही बताएं, हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं, धंधा नहीं कर रहे हैं, सामान नहीं बेच रहे हैं, एक वैल्यू एक ऑनेस्टी बेच रहे हैं अपने नाम की कि जो है अगर आपने हमसे लिया ना तो आप बेफिक्र हो यार भाई, आपको रिग्रेट नहीं करोगे, ये वादा है हमारा आपसे ठीक भाई। अब आपने कंपोनेंट देख ली, आप सीधा हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड देखो, बिल्ड दिखाते हैं फिर आपको इसके पेरिफेरल्स दिखाते हैं ठीक। तो भाई लोग कितना वर्क अभी हमारे सिस्टम में हो गया मैं आपको दिखा दूं एक बार, देखो फ्रंट में A to Z चीजें, फ्रंट में बैक में हर जगह सब कुछ अलाइन कर दिया गया है, इसमें सब कुछ लग चुका है, असेंबल कर दिया गया है सब कुछ, ग्राफिक कार्ड वर्टिकल लगाया है और वर्टिकल ग्राफिक कार्ड कितना मस्त लग रहा है देखो विद राइजर केबल के थ्रू, और राइजर केबल सोचिए कौन सी लगी, इसमें आसूस की लगी ना, आसूस ROG की राइजर केबल लगी है और उसके साथ साथ देखो इसमें ये रहा केबल मैनेजमेंट जो कि फुल टू फंटा एकदम जबरदस्त हुआ केबल मैनेजमेंट, देख रहे हो इतने केबल्स थे इसमें, इतने वायर्स थे कि मैं आपको क्या बताऊं, उसके बाद भी देखो इसमें एक वायर आपको दिखेगा नहीं गंदगी से, ये देखो आप सब कुछ अच्छे तरीके से लगा है, ऐसे तरीके मतलब फिनिशिंग देखो आप इसे कहते हैं, कहते नहीं है एक एक्सपीरियंस बंदे का काम करने का तरीका और एक न्यू यंगस्टर के काम करने का तरीके में क्या डिफरेंस होता है देखो आप, अरे यार फिनिशिंग देखो सिस्टम की देख रहे हो मस्त। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके साइड के पैनल बंद करते हैं, फ्रंट का पैनल बंद करते हैं, टॉप पैनल बंद करते हैं और इधर का खुला रहने देते हैं, उसके बाद इसकी पावर ऑन करके आपको दिखाते हैं। सो भाई देखिए सब कुछ इसमें इंस्टॉल कर दिया हमने, फ्रंट का पैनल लगा दिया है, टॉप का पैनल लगा दिया है, लेफ्ट का पैनल लगा दिया, सब लगा दिया ठीक। अब हम इसमें सीधे करते हैं पावर ऑन, इसीलिए हमने सारी देखिए स्टूडियो में सारी लाइट्स ऑफ कर दी है आपको दिखाने के लिए कि इसका फर्स्ट लुक कैसा रहा। सो 3 2 1 गो।
ओ भाई साहब वॉट एन आउटस्टैंडिंग लुक, वॉट एन आउटस्टैंडिंग लुक, सीरियसली बता रहे हैं आपको, आंखें ये चीज जज नहीं कर पा रही, ये चीज अभी और दिखाते हैं मेरे को। तो फिर काम करो, पीछे की लाइट्स बंद करो, पीछे की लाइट्स बंद करो, तो अभी देखो इसकी लाइट्स लाइट और इनहेंस होगी। हाँ वो भी बंद करो, ये देखिए अब पीछे की लाइट्स वगैरह सब बंद हो चुकी हैं और इसका व्यू कैसा आ रहा है देखिए आप, ये देखिए, इसीलिए मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट लुक एट दिस व्यू, देख रहे हैं आप क्या गजब का लुक आ रहा है। और एक एक चीज इसमें हाईलाइट हो रही है, जैसे नीचे के फैन हो गए, साइड के फैन हो गए, फ्रंट के फैन हो गए, और 24 पिन की RGB केबल हो गई, ROG का लोगो, रैम हो गई, देखिए यहाँ पे D50 16x2 3600 MHz, उसके अलावा पीछे फैन, और यहाँ पे देखिए आई गेम की लाइट लगी हुई है, ऊपर आपका लिक्विड कूलर के फैन हो गए, फ्रंट का लुक कुछ इस तरह का आ रहा है और साइड का लुक कुछ इस तरह आ रहा है। देखिए अगर आप साइड से भी सिस्टम को रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा फैबुलस लगने वाला है। सो भाई लोग देखिए अब क्या है, हमने इसको सिंक कर दिया है, ये रहा मॉनिटर, वो बैठा सूफी, अभी कलर साइकिल चेंज करके दिखाएगा आपको, तो सूफी कोई एक कलर साइकिल चेंज करो, दूसरी कोई लगाओ, तो देखो लाइट्स का इफेक्ट क्या पड़ा, देखो ये कलर साइकिल चेंज हुई, इसमें देखो ये कलर्स आ रहे हैं, देखो आप, मैं इसीलिए आपको सारे कलर्स डीपली दिखा रहा हूँ एक एक कलर के, आपको देखो व्यू कैसा आ रहा है, ये देख लो ये फुल रेड रेड हो चुका है, ये कलर साइकिल यहाँ से चेंज हुई, और चेंज करो सूफी, कलर चेंज करो इसके, ये देखो कलर ये चेंज हुआ इसका, और उसके अलावा ये देख लीजिए कलर आप, ये देखिए बार बार कलर चेंज हो रहे हैं, सूफी दिखा रहा है इसमें आपको इसीलिए, ठीक है फुल ऑन कलर चेंज। आप सूफी एक काम करो, कोई इफेक्ट लगाओ स्पीड तेज करके, कोई भी एक इफेक्ट लगाओ स्पीड को तेज करके, हाँ कलर चेंज करो ब्लू, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, देखो ये इफेक्ट कौन सा सूफी लगा है, फिर ये ब्रीदिंग इफेक्ट लगा है और इसमें कलर्स हो रहे हैं चेंज। अब हम एक काम करते हैं, इसका साइड का पैनल बंद करते हैं, शीशा लगाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको एक मिनट को। देखिए अब इसमें एक स्टैटिक कलर लग गया है और उसके साथ साथ साइड में देखिए ये देखिए शीशा जो टफन ग्लास है इसका वो इसमें लगा दिया गया है, और टफन ग्लास लगाने के बाद क्या लुक आ रहा है आप देखिए। तो भी कलर चेंज हो गया, इसके दिखाओ ग्रीन लगाओ, कलर दिखाओ कैसे लग रहे हैं, ये देखिए ग्रीन कलर का, और दूसरा कलर लगाओ एक सी ग्रीन, देखिए रेड हो गया, और ये देखिए येलो हो गया, ये देखिए कलर्स है, क्या मस्त मशीन लग रही है, आउटस्टैंडिंग मशीन लग रही है, एक नंबर मशीन है। ठीक भाई जो कैसा लगा अब लोग ना, अब हम लोग ज़रा अनबॉक्स करते हैं इसके पेरिफेरल्स, मींस इसका कीबोर्ड एंड माउस, माउस तो नहीं करेंगे, कीबोर्ड दिखा देते हैं आपको अनबॉक्स करके। सो भाई लोग देखिए मशीन ये रखी है आपके बगल में, अब इसमें जो कीबोर्ड यूज हो रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ, उसमें देखो कीबोर्ड में यूज हो रहा है ASUS ROG Strix NX-TKL Moonlight White Mechanical Gaming Keyboard जो आता है Aura Sync के साथ, Red Switch, QWERTY Keyboard US है, और ROG NX Red Switch आता है, और इसका ये रहा देखिए सीरियल नंबर, ये ठीक ये सीरियल नंबर रहा, और ये रही इसकी सील, और हम लोग करते हैं इसकी सील ब्रेक, इधर से ये रही सील, और ये गई इसकी सील, ठीक तो हम इसको खोलते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे आप इसको खोलिएगा बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आपको ये कीबोर्ड मिलता है, ये पूरा आप यहाँ से हटा सकते हैं, और देखिए ये इसके केबल्स दिए गए हैं, ये देखिए केबल दिए गए हैं, और फुल अच्छी तरीके से पैक्ड केबल है, ऐसा नहीं कि आपको अनपैक करके दे दिए हों, ये आपको केबल्स दिए गए हैं पैक पूरे, ये यहाँ से आपके केबल से हटेगा, केबल की क्वालिटी आप देखिए बहुत अच्छी है, गोल्ड प्लेटेड इसकी दे रखे हैं ये, और आकाशी एटा बेटा साइड करो, और ये देखिए आपका कीबोर्ड फुल पैक है, ये इसके प्रेम पत्र दिए हुए हैं, प्रेम पत्र आप पढ़ना आराम से, ये पूरे सील पैक रहेंगे ऐसे ही मिलेंगे आपको, और ये रहा हमारा कीबोर्ड, वॉट एन आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस बाय ASUS, ठीक है देखिए कीबोर्ड है, ठीक है फुल नहीं है हाफ पे है, और यहाँ पे आपको ये देखिए दे रखे हैं ASUS का लोगो दे रखा है यहाँ पे, एक्सेप्ट दिस, ये आपको दे रखा है टाइप सी का पोर्ट जहाँ से आप कीबोर्ड को ये करोगे कनेक्ट, ठीक ये हो गया कनेक्ट, और आकाश चरण दो से कनेक्ट कर देंगे, ये हम इसको कर दे रहे हैं यहाँ से कनेक्ट, ठीक आकाश लाइट टॉप को जाके यहाँ से नहीं हुआ कनेक्ट, क्या ये हो गया, चल गया लाइट टॉप को जाकर, सॉरी तो देखिए ये हमने कर दिया है इसको कनेक्ट, ठीक अब देखिए यहाँ पे क्या है, इतने सारे इसके वो दे रखे हैं, हम तो सोच रहे हैं इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, ठीक है तो ये रहा कीबोर्ड, तो देखिए इसमें इफेक्ट बहुत सारे हैं, देखिए मैं पहले इफेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ये इफेक्ट कर सकते हो आप इसमें देखो, और उसके अलावा ये हो गए, उसके अलावा आप इफेक्ट यहाँ से FN दबा के इफेक्ट मोड चेंज करके देखो ये कर लो, देखो ये वेव जा रही है, ये देखो वेव जा रही है,
और उसके अलावा फिर हम मोड चेंज करेंगे तो सिंगल कलर पे आ गया, मतलब नहीं ये कलर साइकिल चल रही है, फिर ये हो गया, उसके बाद ये देखिए मतलब इतने सारे, ये कितना अच्छा, देखो वेव जैसे हमने क्लिक किया वेव निकल रही है, क्या मस्त भाई साहब, ये देखिए है क्या जबरदस्त वेव निकल रही है, देखिए आप मस्त एकदम जबरदस्त वेव, और FN दबा के इसको फिर से मोड अगर चेंज करें हम तो ये मोड चेंज कर दिया, ये देखिए, और फिर से मोड चेंज करें, ये देखिए अपने आप चल रहे हैं, ये देखिए है क्या मस्त चीज़ है यार, दिल खुश हो जाए एकदम, ये देखिए ये किया आपने, ये देखिए जैसे आपने क्लिक करो, अच्छा ये वेव अपने आप चल रहे हैं, और देखिए जो ये लोगो है ना इनका, इस लोगो में भी देखिए RGB है भाई साहब, 9-10 हज़ार के बजट का क्या है, कीबोर्ड है लेकिन ये कीबोर्ड ना एकदम अल्टीमेट कीबोर्ड है, आपको सही बताया मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा कीबोर्ड नहीं देखा जिसके इतने अच्छे इफेक्ट हैं, और यहाँ पे भी कुछ लाइट दे रखी है क्या इसमें जी, ये लाइट की अच्छा ये देखिए एक लाइट स्ट्रिप दे रखी है वो भाई साहब, तो मतलब अगर आप यू कीबोर्ड रखते हो अपना तो एक आपको यहाँ पे आपको टेबल पे भी आपको एक इफेक्ट मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक इफेक्ट मिलेगा, कैसा लग रहा है आप लोग बताओ यार कमेंट करके, कोशिश हमने पूरी की बेस्ट से बेस्ट करें। तो भाई लोग उसके अलावा देखिए इसका एक जा रहा है G502 हीरो माउस, ठीक उसके अलावा इसके दो मॉनिटर वैभव के और जा रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको रुको। तो भाई लोग देखिए पहला मॉनिटर इसमें जा रहा है LG अल्ट्रा गेयर 27 GN750 जो आपका एनवीडिया जी सिंक है 240 Hz 1ms 120x1080p IPS HDR डिस्प्ले के साथ आने वाला LG अल्ट्रा गेयर का 27 इंच का मॉनिटर है और 240 हर्ट्ज का है, ठीक उसकी रिक्वायरमेंट 250 हर्ट्ज की थी तो हमने इसको एक 240 हर्ट्ज मॉनिटर दिया है। इसके अलावा एक और सेकेंडरी मॉनिटर जा रहा है जो कि आकाश वो भी दिखाए, उसके अलावा एक गीगाबाइट का जा रहा है, गीगाबाइट का G27F 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्पीकर गेम असिस्ट 1ms रिस्पांस टाइम 27 इंच का IPS मॉनिटर फुल HD जा रहा है, तो उसके साथ साथ ये दो मॉनिटर जा रहे हैं, ठीक भाई सारा सामान रखते हैं फिर दिखाते हैं आपको रुको। So, वैभव भाई PC आपका कंप्लीट हो चुका है एंड लुक वाइज कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताना, देखो पूरी कोशिश हमारे और हमारी टीम की तरफ से ही हुई है कि आपको जो एक्सपीरियंस देना है वो बहुत बेस्ट दें, और वैभव भाई सच बता रहे हैं आपको जितनी मेहनत लगी इस PC में ना वैभव भाई आप पता है 3, 6, 9, 12, 13 फैन है इसमें, और 13 फैन के इतने इतने बड़े तार होते हैं, इतने घात इतने बड़े तार होते हैं एल्बोस लेके पाम तक, इतने इतने वायर्स को मैनेज करना ये समझो ये पूरी मिस्टर PC वाले की जो टीम है ना उनके लिए एक टास्क होता है कि उन वायर्स को मैनेज करके इतना अच्छा लुक प्रोवाइड करना कि आपको उसका एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। और इसके अलावा कोई अगर आपको PC बाय करना है तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा 9532777615 आप उस पर हमको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अंकित का पर्सनल नंबर है वो, आप व्हाट्सएप करोगे आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा एज सून एज पॉसिबल आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलता का रिप्लाई तो आपको क्या करना है आप इंस्टाग्राम पे सीधे आइए मिस्टर PC वाले, देखिए इस पेज को देखिएगा जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है इसमें लगभग 18-19 हज़ार फॉलोअर्स हैं पूरा, और डिस्क्रिप्शन में या अगर ना मिले पेज का लिंक तो हमारा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा वहां पे आपको इंस्टाग्राम का हमारा लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा सीधे DM कीजिएगा आपको वहां से रिप्लाई मिल जाएगा, हमें अंकित को भी आपको रिप्लाई दे देगा, ठीक भाई। और इसके अलावा हमारे दो चैनल और हैं जिनका नाम है मिस्टर PC वाले शॉर्ट्स, उस पर शॉर्ट्स बहुत कम डालते हैं थोड़ा सा एक्टिव काम है क्योंकि काम में बिजी हुए हैं उसमें शॉर्ट्स देख लीजिएगा, और दो एक और चैनल है मिस्टर शादाब खान व्लॉग का चैनल है, उस पर व्लॉग भी बहुत कम डालते हैं, प्रमोशन कर रहे हैं जल्दी कंटेंट आएगा, ठीक भाई। और अगर चैनल पर पहली बार आप लोग आए हो और सीरियसली अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया हो भाई सब्सक्राइब कर देना, ना पसंद आया तो कोई बात, ठीक भाई। सो वॉच लेते हैं ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुशी सेफ रहिए, उस वीडियो में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अंकित भाई थोड़ा थके हुए हैं, काम में बिजी हैं, पूरा उसने PC बिल्ड करके कंप्लीट कर दिया इसलिए मोटर दे के जल्दी से इसको फिनिश कर रहे हैं, और वैभव बहुत बहुत आपको आपका PC मुबारक, बाय बाय।